वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी बताने जा रही हूं जिसका टाइटल है वी कैन बी हीरोज, जो रिलीज हुई थी 2020 में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस यूनिवर्स में द हीरोइक्स नाम के सुपर हीरो के ग्रुप द्वारा अर्थ की रक्षा की जाती है। जब एटमॉस्फेयर में एक डैमेज सैटेलाइट पाया जाता है तो मिराकल गाय और टेक्नो नामक सुपर हीरोज वहां जांच करने आते हैं और फॉरेन शिप्स की एक पूरी सेना का इंतजार करते हैं जो उन्हें आसानी से खदेड़ देती है और उन्हें वापस अर्थ पर भेज देती है। ये घटना चर्चा में रहती है जिसे अभी के लिए इसे एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। मार्क्स मोरेनो हीरोइक्स का फॉर्मल लीडर है जो अब केवल हीरोज के ऑफिस में काम करता है। इस इंसिडेंट को न्यूज में देख परेशान हो रहा होता है जिसे उसकी बेटी मिसी मोरेना देख लेती है जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं होती है। उससे ये दावा करने के बाद कि सब कुछ ठीक है और वो टीम में फिर से शामिल नहीं होगा, मार्क्स मिसी को स्कूल छोड़ देता है और फिर सुपर हीरो के हेडक्वार्टर्स में काम करने जाता है जहाँ सिर्फ एक स्पेशल व्हीकल के जरिए ही पहुँच जाता है। हीरोइक्स प्रोग्राम की लीडर मिस ग्रेनेडा एलियंस के खिलाफ कुछ हीरोज को भेजना चाहती है, लेकिन जब मार्क्स उसे देखता है कि एलियन सेना कितनी बड़ी है तो वो उन सभी को एक ही समय में भेजने के बारे में सोचती है जिसमें मार्क्स भी शामिल है। मिस ग्रेनेडा सुपर हीरो के बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें लेने अपने कुछ एजेंट्स को भेजती है। कार की सवारी पर मिस एक स्पेशल ब्रेसलेट के थ्रू मार्क्स से बात करती है जो एक कम्युनिकेटर के रूप में काम करता है जिसके पिता के पास भी है, लेकिन उसका पिता उसका सिर्फ हाल चाल पूछता है, उसे ये नहीं बताता कि मामला आखिर है क्या। हेडक्वार्टर्स में मिसी को बाकी हीरोज के बच्चे के साथ बंद कर दिया जाता है और वो उनसे और उनकी पावर्स से मिलते हैं जिसमें व्हील्स हैं, जिसका ब्रेन सुपर चार्ज है, लेकिन उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि उसके पैर उसकी बॉडी को सहारा देने के लिए बहुत मजबूत है। नूडल्स जो अपने शरीर के किसी भी हिस्से को स्ट्रेच कर सकता है, ओजो जो एक जीनस ड्रॉर है लेकिन वो कभी बोलता नहीं है, एक अपेला है जो अपनी आवाज को सुपर लो या सुपर हाई बना सकती है और इसके साथ चीजों को ट्रांसफर कर सकती है। फिर बारी आती है स्लोमो की जो वास्तव में तेजी से आगे बढ़ सकता है लेकिन उसकी शक्तियों ने उसे एक टाइम लूप में फंसा दिया है इसलिए वो वास्तव में सुपर स्लोली आगे बढ़ता है। थोड़ी देर के बाद बच्चे अपने माता पिता को एलियन से लड़ते देखने के लिए टीवी चलाते हैं, लेकिन एक एक करके सुपर हीरो हार जाते हैं और दुश्मन द्वारा उनको बंदी बना लिया जाता है। प्रेसिडेंट देश से बात करने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं, उन्हें अलर्ट करते हैं कि वो हीरोज को बचाने के लिए अपनी सेना भेज रहे हैं, लेकिन सक्सेस की पॉसिबिलिटी कम है। वो एलियंस द्वारा भेजा गया एक संदेश भी पढ़ता है जिसमें कहा गया है कि वो उनके प्लैनेट पर कब्जा करने जा रहे हैं और ह्यूमैनिटी को इसका पालन करना चाहिए, नहीं तो वो सब नष्ट कर दिए जाएंगे। मिस ग्रेनेडा अगली स्क्रीन पर दिखाई देती हैं, वो बच्चों को बताती हैं कि बिल्डिंग लॉकडाउन के अंडर है और उन्हें बिहेव करना चाहिए। हालांकि मिसी सोचती है कि उन्हें कमरे से बाहर जाना चाहिए क्योंकि उन पर हमला होने वाला है। वो ये इसलिए जानती है क्योंकि उसने महसूस किया है कि ओजो की ड्राइंग्स भविष्य दिखाती हैं और अब उसके पास एक एलियन के भी अंदर घुसने की ड्राइंग है। दूसरे बच्चे मिसी के प्लान को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही वाइल्ड कार्ड को ये प्लान पसंद ना हो कि मिसी के पास उससे ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी है। फेस मेकर मिसबिहेव करके बाहर खड़े गार्ड्स को तिजोरी में आने के लिए चकमा देता है, फिर गुप्पी अपनी शाक ताकत से उसकी पिटाई करती है और नूडल्स उनके एक्सेस कार्ड चुरा लेता है। उन सभी गार्ड में से एक अलार्म बटन दबाने में कामयाब होता है और उन्हें अंदर ही बंद कर देता है। जब एलियन वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन रिवाइंड समय से कुछ पीछे समय घुमाता है इसलिए जब फिर गार्ड से कोशिश करता है तो व्हील उसे अपनी कुर्सी से मारता है और नूडल्स उन सभी को एक जैकेट चोरी करने के बाद हथकड़ी लगा देता है। वो एक अडल्ट की तरह दिखने के लिए अपने शरीर को फैलाता है। बच्चे नूडल्स के साथ कमरे से बाहर निकल आते हैं ये नाटक करते हुए कि वो उन्हें कहीं और ले जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि वो उस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती और उनकी टक्कर सामने वाली बिल्डिंग से होने जा रही होती है। इसलिए नूडल्स खिड़की से बाहर अपना हाथ फैलाता है और जाने से पहले एक दो बार घूमने के लिए एक पोल पकड़ता है। उड़ान कुछ मिनटों के लिए अच्छी तरह से चलती है जब तक कि एक अपेला आउट ऑफ ब्रेथ होने लगती है, इसलिए मिसी उसे गाड़ी एक जगह पर रोकने के लिए एड्रेस देती है, लेकिन एक अपेला व्हीकल को गिरा देती है जो एक गार्डन और उसके गजेबो पर क्रैश हो जाता है।
जगह की मालकिन अनीता मुरैना मार्क्स की माँ और हीरोइक्स की टीचर है, जबकि मिस ग्रेनेडा और उनके टीचर मिस्सी के कम्युनिकेटर ब्रेसलेट के सिग्नल का यूज करके बच्चों को ट्रैक करने के लिए करती हैं और अनीता मिस्सी को लीडर के रूप में अपॉइंट करने के बाद में उन सभी को ट्रेन करती है। मिस्सी सही ऑर्डर्स नहीं दे पाने की वजह से कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही है, इसलिए अनीता उसे ये कहकर कम्फर्ट करती है कि उसके जीवन में कई सुपर हीरो को ट्रेन करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट मिस्सी की व्रत माँ थी, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, बट थैंक्स टू दैट उन्हें एक प्लान के बारे में सोचने की जरूरत है जो उन्हें अपने माता पिता से अलग काम करने के शुरू करना है। उन्हें आकर्षक कॉस्ट्यूम्स का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें ढूंढना आसान हो जाएगा। उन्हें शहर से बाहर एलियंस को अट्रैक्ट करना चाहिए ताकि वो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय ना करे। मिस्सी के दिमाग में एक प्लान है और वो उसे टैबलेट पर कुछ दिखाते हुए वाइल्ड कार्ड को फुसफुसाती है जिससे वो चौंक जाता है। वो दूसरे को प्लान एक्सप्लेन करते हुए दावा करता है कि उन्होंने एक साथ इसके बारे में सोचा था और बच्चे एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। उजो की ड्रॉइंग एक सप्लाई ओवरसीज शिप के पास में उतरने की भविष्यवाणी करती है, इसलिए बच्चे इसे ढूंढते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं। जैसे कि स्लोमो बहुत स्लो है और लगभग एलियंस द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है, लेकिन नूडल्स अपनी बाहों को फैलाता है और उसे अंदर ले आता है, जबकि गप्पी और व्हील शिप का बटन दबाते हैं और शिप हवा में उड़ान भरता है। ये शिप मदर शिप से जुड़ा है और बच्चे इसमें प्रवेश करते हैं। नूडल्स अपनी गर्दन बाहर निकालता है ये देखने के लिए कि क्या कोई उसके आसपास तो नहीं है। जगह बहुत बड़ी है और उनके माता पिता को ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, इसलिए व्हील से एक आइडिया देता है। चूंकि ग्रेनेडा उन्हें मिस्सी की ब्रेसलेट से ढूंढ निकालती है तो वो सोचते हैं कि क्यों ना उस ब्रेसलेट को मॉडिफाई करके मार्क्स का पता लगाया जाए जिससे कि वो अपने पेरेंट्स को मिल सकेंगे। ग्रुप मदरशिप हॉलवे के थ्रू ब्रेसलेट से मिलते सिग्नल को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तभी जमीन से एलियन के टेंटिकल्स बाहर निकल आते हैं और उन सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो भाग जाते हैं और जब एक अपेला अपनी आवाज का यूज टेम्परेरी रूप से टेंटिकल्स को रोकने के लिए करती है ताकि वो दरवाजे तक पहुंच सके, तभी बच्चे एक कमरे में घुस जाते हैं जहां उन्हें एक बड़ा सा पिरामिड खड़ा दिखता है। वो प्रेसिडेंट को कुछ अनजान लोगों के साथ बात करते हुए देखते हैं जो उन अजनबी लोगों को धरती पर उस पीरियड को एक घंटे में गिराने की बात करते हैं। बच्चे तय करते हैं कि उन्हें इसे रोकना चाहिए, जिसके लिए वो वापस मुड़ते हैं, लेकिन वहां पर तभी मिस ग्रेनेडा आ जाती हैं, जो पहले गुस्सा होने का नाटक करती हैं, लेकिन फिर उन्हें इतना हीरोइक काम करने के लिए बधाई देती हैं। हालांकि ये मोमेंट ज्यादा समय तक नहीं रहता है। व्हील्स की व्हीलचेयर की स्क्रीन पर रीडिंग और ओजो की नई ड्राइंग उन्हें एक चौंकने वाला सच बताती है। मिस ग्रेनेडा और राष्ट्रपति और उनके लोग वास्तव में एलियन हैं और उनकी पीठ से टेंटिकल्स निकालने लगते हैं। बच्चों को एक स्पेशल इंडेस्ट्रक्टिबल रूम में रखा जाता है और मिस ग्रेनेडा गप्पी की पानी की बोतल लेने के बाद उसे एक विशेष चाबी से बंद कर देती है। उनके माता पिता भी ऐसे ही सिचुएशन में होते हैं, चाहे वो अपनी शक्तियों से दीवारों पर कितना भी हिट करें वो उन्हें तोड़ नहीं सकते। अचानक दरवाजा खुलता है और एक एलियन कमरे में एंटर करता है। सुपर हीरो उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आसानी से उन सभी को दूर धकेल देता है जैसे कि वो नॉर्मल इंसान हो। एलियन अपनी त्वचा को हटा देता है जो वास्तव में सिर्फ एक तौलिया था। मिस ग्रेनेडा और उनके आदमी वाइल्ड कार्ड का पीछा करते हैं, जिसने सुरंग के बाद से मिस्सी को अपने लीडर के रूप में स्वीकार कर लिया है और वो अब अपनी शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हैं। वो उड़ता है, शेप बदलता है, अपनी इच्छा से इलेक्ट्रिसिटी और फ्रीज रे का यूज करता है और ग्रेनेडा को उसके आदमियों को सेकेंड्स में हरा देता है। फेस मेकर अब अकेला है, वहां से भाग निकलता है और वापस ग्रुप के साथ शामिल हो जाता है। इससे पहले कि ओजो उनके सामने राक्षसों का एक ग्रुप बनाना शुरू करती है, टीम उन्हें हराने के लिए अपनी शक्तियों को जोड़ती है और गप्पी पिरामिड से लिक्विड मेटल का उपयोग पानी के रिप्लेसमेंट के रूप में करती है। लास्ट दो राक्षसों के लिए मिसी नूडल्स को अपनी आर्म फैलाने के लिए कहती है ताकि वो उस पर एक टाइट रोप की तरह चल सके और राक्षसों को अपने साथ खाई में गिरता हुआ खींच सके। जब नूडल्स अपना हाथ वापस ले लेता है, फॉर्चुनेटली वो इसे फिर से फैलाने और मिस्सी को पकड़ने में सफल रहता है और उसे वापस ग्राउंड पर उतार देता है। व्हील्स अपनी कुर्सी से टैबलेट को मदरबोर्ड में बदल देता है ताकि वो उसे पिरामिड में रखे हुए मदरबोर्ड से बदल सके, लेकिन ओजो ने अपना एक टेंटिकल बाहर निकाला और उससे मदरबोर्ड को नीचे खाई में फेंक दिया। खाई इतनी गहरी है कि स्लोमो को छोड़कर कोई भी उसमें गिरने से नहीं बच सकता। स्लोमो कूदता है और फिर वाइल्ड कार्ड उसे उड़ान से बाहर निकालने के लिए कमरे से टेलीपोर्ट करता है।
नूडल स्लोमो से टैबलेट लेता है और अपने हाथ को पिरामिड के टॉप तक फैलाता है ताकि असली मदरबोर्ड को उनके नकली मदरबोर्ड से बदल दिया जा सके, क्योंकि घड़ी जीरो हिट करती है और पिरामिड टेकओवर शुरू करने के लिए खुलता है। अंदर से उनके माता पिता बाहर आते हैं। घटनाओं के इस मोड़ से बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं और रोजो बताता है कि प्रेसिडेंट और मिस ग्रेनेडा के साथ क्या हो रहा है जो अभी अभी आई है। और हम देखते हैं कि ओजो के साथ प्रेसिडेंट और मिस ग्रेनेडा खड़े हैं। ओजो तब बताती है कि टेक ओवर का मतलब एलियन इन्वेजन नहीं है, इसका मतलब उनके माता पिता की शक्तियों का टेक ओवर है। नई पीढ़ी हमेशा पिछली पीढ़ी की तुलना में एक इम्प्रूवमेंट लाती है और बच्चे पृथ्वी की सभी प्रॉब्लम्स को इनहेरिट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द ट्रेन करने की आवश्यकता है। इसलिए एलियंस ने बच्चों को ट्रेन करने और ट्रांसफर ऑफ पावर्स में तेजी लाने के लिए सरकार और हीरोइक्स हेडक्वार्टर्स में घुसपैठ की, क्योंकि उनके प्लैनेट पर बच्चे ही लीडर्स हैं। बच्चे सुपर हीरो की नई टीम बनाना स्वीकार करते हैं जो मिस्सी के साथ पृथ्वी और गैलेक्सी की रक्षा करेंगे। और अब जब वो उस अग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं तो उनके माता पिता के साथ फिर से मिलने की इजाजत मिलती है, जिन्हें आज अपने बच्चों के हीरोइक कारनामों पर बहुत गर्व होता है। और फिल्म एक अच्छे नोट के साथ एंड होती है। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी है। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।